हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी ब्लॉग्स। तो गाइस, आज है 31 दिसंबर 2023। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई न्यू ईयर आने वाला है, तो इसीलिए हमने सोचा कि आप बनिए आदमी हूँ, जैन आदमी, तो कोई तीर्थ क्षेत्र पे ही जाया जाए, जहाँ पे अपन सभी जगह पर जाते हैं। ये द्रव लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्र अर्गम ने कहा। यहाँ पर तो देखो यार, सब ये है अपने हर्षित भाई, आगे चल रहे प्रेत भाई, ये है अभिषेक भाई। प्रेत भैया है हमारे यहाँ के अभी लीडर ग्रुप के, जो कि धर्म से सब जुड़े हुए हैं, धार्मिक लीडर हैं। हाँ तो आज अपन भाई नाइट बेहतरीन होगी, अपने बड़े बाबा के दर्शन होंगे, बड़े बाबा के दर पे आज अपनी नाइट होगी। प्रेत भाई कहना चाहोगे आप? कह दो यार कुछ तो, कह दो यार बाबा। लीन हो जाएंगे उस चीज में, एक साल बाद नीचे उतरेंगे डायरेक्ट। तो अभी आधे पौने घंटे बाद हम सीधा साल भर बाद उतरेंगे। तो अभी अपन जा रहे हैं बन्ना की ओर, आज लेट हो गए थे अपन ट्रेन से, तो सोचा कि अभी काफी से चलते हैं बन्ना करी जाए। बाबा की घर पे आए हैं तो दर्शन तो किया जाता है, दो दिन धर्म कर लूं अच्छा रहता है। यहाँ पे अभी चार चालू किया हुआ है, अभी चार जने और भी लोग बाग हैं भाई, तो उन्होंने कहा कि अभी सोया जाए, उसके बाद देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे बंदर भी दिखा हमारे लिए। सो गाइस, यहाँ पे अपने कहाँ जाना है, ऊपर तक ये टोंक दिख रही, यहाँ पे जाना है। यहाँ भी पूरी सीढ़ी है, बताइए छोटू भाई क्या होगा, अपन कर पाएंगे कि थक जाएंगे? पाएंगे, बाबा का आशीर्वाद है तो कुछ ना कुछ तो होगा। और अपने लीडर हैं साथ में अपने, चलिए चलते हैं, चलते जाएंगे। बच्चा पार्टी बहुत से लोग जा रहे हैं यहाँ। तो यहाँ गाइस थक चुके हैं अभी सभी लोग, देख लो कितना शानदार नज़ारा लग रहा है यहीं से। अभी इतना पन है, इतना ही ऊपर आना है। क्या हुआ अभिषेक भाई, आप थक गए क्या? हाँ अभिषेक भाई, एक बार और गियर दे दो जल्दी से। यहाँ पे अभिषेक भाई बोल चुके हैं, जोश जोश में होश हो गए। कितना ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से देख ही रहे हो भाई कितना ऊपर आ चुके। सो गाइस, यहाँ पे अभी अपन जा रहे हैं, यहाँ पे अपन सब चीज अभी बंदर ऊपर चढ़ के आ चुके हैं, तो अभी अपन जा रहे हैं। पीछे मंदिर देख रहे हो भाई, मंदिर जी भी होके आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं आगे। बढ़िया सा मंदिर बन रहा है यहाँ पे। अभिषेक भाई के लिए जीने गलत लग रहा है, क्यों जीने गलत क्यों है बताओ? सही अभिषेक भाई जीने गलत क्यों आती है चढ़ने उतरने में, तुमको क्या है? अच्छा क्यों, आप इंसान नहीं हो क्या? हम इंसान नहीं है क्या? देखो गलत बात दे रही यार। तो यहाँ पे अभी बड़े बाबा का मंदिर अपने को दिख चुका है, धूप के कारण यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा आप लोग सही तरह। उस जगह की छवि नहीं मिलेगी, ये तो सही बात कही अंकल जी ने कि अभी साधु संत नहीं रहते ना यहाँ पे, तो ये पंडे कब्जा कर लेते इस जगह पर। सही बात। अभिषेक भाई कहाँ हैं आप? हाँ, पीछे हूं। थके तो नहीं ना? नहीं बिल्कुल नहीं थका, कंधे पे बिठा के ले चलूं क्या मैं? ना कंधे पे नहीं बिठाओ, अंकल जी ने मना किया। फोटो तो ले यहाँ का, यहाँ का क्या फोटो लोगे? यहाँ पे जैसे जैसे बाबा की दूरी घटती जा रही है, अभिषेक भाई में भी एनर्जी आती जा रही है, देख रहे हो आप जैसे कि यहाँ पे पैदल आएंगे यहाँ से ना सीधे चढ़। आपको आरती में आना है बस से? चलो गाइस, यहाँ पे अभी अपन आ चुके हैं बड़े बाबा के दरबार में, जैसे कि आप सभी देख रहे हो भाई। वंदना में बड़ी दिक्कतें आई, अभिषेक भाई हमारे थक भी गए,
नहीं नहीं मैं अभी नहीं तगा, इस पागल बना रहा है। बड़े बाबा की दर पर जैसे जैसे आते गए अभिषेक भाई में एनर्जी आती गई, बड़े बाबा भरते गए और अभी अपन की माया है, चल रहे हैं बाबा के दर पर। सबसे पहले बाबा के दर्शन करेंगे फिर उसके बाद काम दूजा करेंगे। तो चलिए गाइस अभी बाबा के दर्शन पर चलते हैं अपन। जय हो बाबा की जय। यहाँ पे अभिषेक भाई, जय हो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। तो आखिरकार गाइस यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं बड़े बाबा के दरबार में और देख सकते हो आगे कितने ही लोग खड़े हुए हैं ऑलरेडी और अपने अपने दर्शन कर रहे हैं बड़े बाबा के दरबार। यहाँ पे छत्र लिए जाएंगे अभी। सो गाइस यहाँ पे अभी हम छत्र ले रहे हैं। छत्र नॉर्मली किस चीज़ के लिए लिया जाता है मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जैसे आप देख रहे हो ना ये भगवान के ऊपर छत्र है, ऐसा ही ये छत्र चढ़ाए जाते हैं मतलब कि तो उससे क्या होता है ना कि उससे ये है कि भगवान की छत्र छाया हम पर प्रदान रहे इसलिए छत्र चढ़ाए जाते हैं। नॉर्मली एक बात बताए तो भगवान की छत्र छाया मतलब कि अर्थात उनका आशीर्वाद हमारे पर हमेशा बना रहे इसीलिए छत्र चढ़ाया जाता है। तो और बाबा को आप देख ही रहे भाई, बाबा तो बाबा है यार, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। आई नो गाइस कि भाई आप सभी लोग कह रहे होंगे कि भाई ये वीडियो तो बहुत लेट है, 2-3 दिन लेट हो चुका है। हाँ गाइस ये सही है कि भाई ये 2/31 को शूट हुआ था तो और आज डाला है हमने क्योंकि 2 दिन से नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे इसलिए वो अपलोड ही नहीं हो पा रहा सही तरीके से, तो आज डाल दिया है, सॉरी फॉर दिस। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना भाई। चलिए गाइस मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।